चंद्रशेखर रावण की, जो चंद्रशेखर रावण है वह नगीना से सांसद हैं, अब बताने की किसी नाम तारीख के मोहताज नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि अभी हम लोग इसके लिए, इस जो भारत बंद है इसके लिए अभी परिपक्व नहीं है, पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, अभी हमें इसमें सोचने को समय चाहिए। लेकिन वह बातों ही बातों में एक स्टेटमेंट भी देते हैं, वह कहते हैं बहन जी के जैसा मजबूत नेता अभी भी भारतीय राजनीति में नहीं है। ये स्टेटमेंट चंद्रशेखर रावण के हैं जो उन्होंने इस तरीके से कहा। लेकिन अभी उनका एक स्टेटमेंट आ गया है भीम आर्मी का, और भीम आर्मी के जो संस्थापक संचालक हैं इस वक्त, संस्थापक तो जो है चंद्रशेखर रावण है, उनका कहना है विनय रतन जी का, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण संबंधित विभाजन फैसले के खिलाफ दिनांक 21 अगस्त 2024 को दलित समाज द्वारा आह्वान किए गए भारत बंद का भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी का पूर्ण समर्थन देती है। साथ ही साथ समस्त कार्यकर्ताओं से अपील है कि संपूर्ण भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन दें। क्या कहना चाहेंगे चंद्रशेखर रावण? पहले तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे बहन जी ने इस पे कॉल को एक्टिव करा, बहन जी ने बोला भारत बंद के समर्थन में हम लोग खड़े हैं, फिर एक दो दिन के बाद जो है वह चंद्रशेखर रावण का, भीम आर्मी का और विनय रतन का स्टेटमेंट भी आ गया। क्या कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त जो इस भारत बंद में कौन कौन खड़ा होना चाहिए और कौन नहीं खड़े होना चाहिए, क्या इस वक्त पार्टी की बात है या बहुजन मोशन मूवमेंट की बात है, क्या कहना चाहेंगे अभिषेक? देखिए, जो लोग भी अपने आप को बहुजन आंदोलन से, बहुजन समाज से और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से सहमत है, उन लोगों को अनकंडीशनली क्या है इस आंदोलन का सपोर्ट करना चाहिए, अनकंडीशनली। और जो लोग सहमत नहीं हैं, वो लोग इसके विरोध में भी आपको खड़े नजर आएंगे जी। तो ये जो है केवल इस बात पे निर्भर करता है कि लोगों को अपने समाज की समझ कितनी है, बहुजन आंदोलन की समझ कितनी है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से वो प्रभावित कितने हैं। सिर्फ यही बात यह बताती है कि वो इस जो संविधान को बचाने के लिए जो 21 तारीख का जो कल का जो धरना है उसमें शामिल होंगे कि नहीं। तो ये छोटी सी बात है जो लोगों को समझने की जरूरत है। इसमें वही लोग शामिल होंगे जिनको अपने समाज के बारे में पता है, समाज के हक हकूक के बारे में पता है, और जिनको बहुजन विचारधारा के बारे में पता है, जो बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पे विश्वास रखते हैं, उनको बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से वो अवगत हैं। ऐसे लोग कल आपको सड़कों पे दिखेंगे जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।